शुरू करते हैं वीडियो को और याद रखिए ये मेरा वो वीडियो होता है जो बाईलिंगुअल होता है, यानी कि स्क्रीन पर भाषा रहती है इंग्लिश और उच्चारण रहता है हिंदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय लॉन्च किया। कहाँ इसका उद्घाटन किया गया, कौन से शहर में किया गया? इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया, मुंबई। सक्षम 2019 एक कैंपेन है जो शुरू किया गया, 2019 सक्षम, ये किस चीज से संबंधित था? सक्षम जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने लॉन्च किया और ये ईंधन को बचाने के लिए किया, यानी कि फ्यूल कंजर्वेशन, कैसे हम फ्यूल को बचा सकते हैं उससे रिलेटेड किया गया। एक और कैंपेन याद रखिए, रुको, ठीक है, रुको। रुको कैंपेन क्या है कि जो कुकिंग ऑयल बच जाता है हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं बायोडीजल बनाकर, और रुको कैंपेन को शुरू किया था FSSAI ने, यानी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसके 1,00,000 उपभोक्ता हो गए हैं, ये स्कीम को 1 करोड़ बेनिफिशियरी इसके हो गए हैं। आपको बताना ये स्कीम लॉन्च कौन से ईयर में की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, और 2016 7 अगस्त को लॉन्च की गई थी, 7th of August 2016। इनमें से कौन सा IIT है भारत का जिसने एक बीटेक कोर्स शुरू करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शुरू किया है IIT हैदराबाद ने, IIT हैदराबाद। और एक बात और याद रखिए, एक भारत का IIT है जिसे बोलते हैं IIT मद्रास, IIT मद्रास ने एक चिप बनाया है, एक प्रोसेसर बनाया है जिसका नाम है राइस क्रीक, वेरी इंपॉर्टेंट, RISECRWK, राइस क्रीक बनाया है IIT मद्रास ने। हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने डिफो ब्रिज का उद्घाटन किया, डिफो ब्रिज, ये कहां बना है डिफो ब्रिज, ये बना है अरुणाचल प्रदेश में, और कौन सी नदी पे बना है, नदी का नाम है चीपू नदी, CHIPU, चीपू नदी। ये जो ब्रिज है ये 329 मीटर लंबा है, 329 मीटर, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है लोअर दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। अरुणाचल प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं अभी अभी, एक तो है पक्के केसांग, एक है लेपाराडा और एक है शियोमी, और टोटल डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में हो गए हैं अब 25। यहां के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू, राजधानी है ईटानगर। कौन सा बैंक है जो ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है समृद्धि कॉरिडोर बनाने के लिए? समृद्धि कॉरिडोर नागपुर से मुंबई तक ये रोड बनेगा, इसका नाम है समृद्धि कॉरिडोर, इसके लिए 8500 करोड़ का लोन दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो आंसर है SBI, SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार, और SBI की एक ऐप भी है जिसको बोलते हैं योनो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस व्यक्ति को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया है इंडिया का? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने हैं संजय जैन, और एक का नाम और याद रखिए, M. गोराडिया दीवान, ये भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनी है और ये महिला है, और ये थर्ड वुमेन है जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनी है। आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ 3 महिलाएं हैं जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनी है, ये है थर्ड, माधवी गोराडिया दीवान। जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके लिए पहला नेशनल स्पोर्ट्स मीट कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया अभी अभी हैदराबाद में। सो आंसर है हैदराबाद में। शौर्य पुरस्कार कौन से राज्य ने शुरू करा है स्टूडेंट्स के लिए? शौर्य पुरस्कार जो है दिए जाएंगे, और जो भी हमारे हरियाणा के पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने हरियाणा की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उनके नाम पे शौर्य अवार्ड दिया जाएगा। तो आंसर है हरियाणा, हरियाणा ने शुरू किया। इंडिया का दूसरा डिफेंस इनोवेशन हब ये कहां बन रहा है? पहले वाला कहां बना था? फर्स्ट था कोयम्बटूर में, और अभी अभी सेकंड डिफेंस इनोवेशन हब जो बना है नवाचार के लिए, रक्षा में नवाचार के लिए, ये बना है अभी अभी नासिक में, नासिक है महाराष्ट्र में। इनमें से कौन सा स्टेट है जो झारखंड और गुजरात के बाद तीसरा स्टेट बना है जिसने 10% रिजर्वेशन अप्रूव कर दिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट के लिए? ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, और पहला था गुजरात। अगर पूछे पहला स्टेट कौन सा था जिसने 10% रिजर्वेशन अप्रूव किया था तो फर्स्ट था गुजरात। अभी अभी 2 कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किए गए हैं, एक 100 रुपए का सिक्का और एक 5 रुपए का, MG रामाचंद्रन की याद में।
ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु में जो रूलिंग पार्टी है अभी वो है AIADMK, और AIADMK पार्टी शुरू की थी MG रामचंद्रन ने, यह भी याद रखिए। और एक बात और, MG अभी एक चेन्नई की बात हो रही है, तमिलनाडु की कैपिटल, तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम भी MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन हो गया है। इनमें से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? NHRC, इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रभात सिंह, और इसके चेयरमैन कौन है? HL दत्तू। पहला इंडियन खिलाड़ी कौन बना? यह ना सिर्फ पहला इंडियन बल्कि पहला एशियन खिलाड़ी बना है, बैट्समैन, जिसने 2 डबल सेंचुरी बनाई है 40 साल की उम्र के बाद, यानी जो 40 साल की से ज्यादा उम्र का यह पहला खिलाड़ी है जिसने 2 डबल सेंचुरी बनाई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इनका नाम है वसीम जाफर, और याद रखिए वसीम जाफर 11,000 रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी थे रणजी, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है रणजी ट्रॉफी में। वसीम जाफर ये कौन से क्लब उसके लिए खेलते हैं, टीम के लिए? इनकी टीम है विदर्भ। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका 14वां सेशन कौन सा देश होस्ट करेगा? ये अक्टूबर 2019 में होगा इंडिया में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया अभी अभी एक मिशन शुरू करा है जिसका नाम है स्कूल फगत हांसी। ये किसने करा है? स्कूल फगत हांसी मतलब होता है गो टू विलेज, गांव वापस जाओ, तो ये शुरू करा है मणिपुर ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। भारत का पहला शमशान घाट गाय के लिए यानी काउज के लिए ये कहां पे शुरू हुआ है? ये भोपाल में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। कौन से भारत के साइंटिस्ट हैं जिन्हें शेख सौद इंटरनेशनल प्राइज मिला है मटेरियल रिसर्च के लिए? इनका नाम है CNR राव, और CNR राव को भारत रत्न भी मिल चुका है,